हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने जीके की सीरीज शुरू की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए। इस जीके की सीरीज में हम हिमाचल का जीके प्लस करंट अफेयर प्लस इंडिया का जितना भी स्टैटिक जीके है उसे कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न रहता है उसी तरह से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाद में जो पटवारी की या पंचायत सहायक की अलग से वैकेंसी आ जाएगी तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जितने भी क्वेश्चन है ये मिक्सअप क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पार्ट है सीरीज का, इससे पहले दो पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। की फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में पहले दशक में हिमाचल पर आक्रमण करने वाला गोरखा सेना का कमांडर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा जो थे वो गोरखा सेना के कमांडर थे। और एक और इनका जो फेमस आता है वो आता है बड़का जी, किसे कहा जाता था? ठीक है, या बड़का जी की उपाधि किसे दी गई थी, किसे बड़का जी के नाम से जाना जाता था? तो अमर सिंह थापा आपको याद रखना है, नेपाली मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, पिपलू मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन जो है ये मेला लगता है और 3 दिन तक ये मेला चलता है। राज्य स्तरीय मेला है, सॉरी ये है जिला स्तरीय मेला, जिला स्तरीय मेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है ये मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक एजुकेशनल अपडेट जो है आप तक पहुँचता रहे, और नोटिफिकेशन की जो आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, तभी आप तक जो है सारी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। 1 नवंबर को जो है हम पहाड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र झील, ठीक है, इसका जो नाम होगा वो होगा सरकुंड। ठीक है, ये गलत है। सरकुंड झील जो है किस जिले में स्थित है? तो यह है कुल्लू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो अन्य नाम है वो है दसहर झील, ठीक है, दसहर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और रोहतांग पास के जो रोहतांग दर्रा है उसके नज़दीक है ये झील। भृगु झील एक और फेमस झील है कुल्लू की। नेक्स्ट देखिएगा, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक ने हिमाचल के किस जिले में कुछ स्तूपों का निर्माण किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू। ठीक है, कुल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोका से भी जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन आते हैं, अशोक ने जो है किस धर्म को अपना लिया था बाद में? तो इसने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था, और इन्हें जो है दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किसने दी थी? तो उपगुप्त आपको याद रखना है, उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी थोड़ा चर्चा में है, धारा 118 किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो धारा 118 जो है वो हमारे हिमाचल से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत जो है काफ़ी प्रावधान किए गए हैं कि अन्य राज्य का कोई व्यक्ति अगर वो किसान नहीं है तो हिमाचल में जमीन नहीं ले सकता। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा धारा 118 के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है श्रीलंका का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, श्रीलंका और नेपाल दोनों ने लॉन्च किया, नेपाल का अपना अलग है। तो श्रीलंका का जो है वो है रावण 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी जून 2019 में जो है इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, और इसको जो डिजाइन किया था वो श्रीलंका के 2 इंजीनियर थे, उन्होंने जो है इसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आचार संहिता का उल्लंघन करने पर शिकायत के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जो है एक एप्लीकेशन बनाई थी, लॉन्च की थी, जिसमें आप आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं, तो उसका नाम है ई विजिल, ऑप्शन नंबर बी। और अब इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो सुनील अरोड़ा आपको याद रखना है, सुनील अरोड़ा जो है हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन कमीशन है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, और इनका नंबर है 23rd, ठीक है, 23वें नंबर के चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट देखिएगा, 2018 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया?
सरस्वती सम्मान या जितने भी अन्य प्राइज है, ठीक है, पुरस्कार है, या नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। 2018 का सरस्वती सम्मान दिया गया के वी शिवा रेड्डी को, ऑप्शन नंबर सी। 1991 आपको याद रखना है। अगर बात करें कि शुरू कब हुआ था सरस्वती सम्मान, तो 1991 से, और फर्स्ट जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है, जिनकी एक फेमस जो पोइट्री है वो है मधुशाला, ठीक है, पोइट्री या कवियों के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है, मधुशाला एक फेमस पोइट्री है हरिवंश राय बच्चन, जो कि श्री अमिताभ बच्चन के पिता है, उन्हें जो है पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में, और 2018 का आपको याद रखना है के वी शिवा रेड्डी को। और दिया किस संस्था द्वारा जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन आपको याद रखना है, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश की सेना को जो है आतंकवादी घोषित कर दिया है, तो इन्होंने जो है ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित किया है। ईरान का जो पुराना नाम था वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ईरान का पुराना नाम था पर्सिया। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, ठीक है, और प्रेसिडेंट है यहाँ पे हसन रोहानी, ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है करंट टाइम में वो है हसन रोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी तोप जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया, किस तोप को स्वदेशी तोप, ठीक है, भारत की अपनी निर्मित तोप है, तो इसका नाम है धनुष, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये इंडिया की जो है अपनी तोप है, ठीक है, अपनी जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, अभी 10 अप्रैल 2019 को जो है इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया, तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2019 के बोडले पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है, 2019 है ये हिंदी में, तो ये आपको याद करना है, बोडले पुरस्कार 2019 जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, दिया गया है अमृत सेन को, ठीक है, इसके साथ साथ जो है काजू इशुकोरो जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था हाल ही में, उन्हें भी जो है पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, और अमृत सेन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नमक की गुफा कौन सी है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मलहम। अधम गुफा जो है अभी हाल ही में खोजी गई है, तो ये दुनिया की जो है सबसे बड़ी नमक की गुफा है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, ये है किस कंट्री में, इजराइल, ठीक है, इजराइल में जो है ये गुफा है, और इजराइल का जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम है माउंट सोडोम, तो माउंट सोडोम में जो है ये गुफा अभी हाल ही में खोजी गई है। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो था उसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।